بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ديجري थर्ड ईयर फिफ्थ सेमिस्टर के वो स्टूडेंट्स जिसकी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है उनके लिए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। मॉडल पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बात ये कहनी है कि आपके लिए दो मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, एक सेट ए और एक है सेट बी, और दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देखें। अगर दो वीडियोस देखें तो ही आपको फायदा होगा, वरना आपको फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, तेलंगाना स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटीज है, तेलंगाना के जिस शहर में भी जहां पर यूनिवर्सिटी है और वहां पर डिग्री हो, तो तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए ये मॉडल पेपर काम आएगा। और एक बात यह है कि इसके इंटरनल एग्जाम के पेपर भी तैयार किए गए हैं, उसके वीडियोस भी हैं, उन तमाम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी, आप वहां से देखें। और आखिर बात कि इन वीडियोस को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि अरबिक का हर स्टूडेंट अरबिक में 99 मार्क्स आसानी से हासिल कर सके। और बहुत आसान है, अगर ये देख ले दो वीडियोस तो इंशाल्लाह आपको 99 मार्क्स आसानी से हासिल हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो मॉडल पेपर आपको दिखाई दे रहा है ये आंसर के साथ है, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, दो मॉडल पेपर भी उसी तरह तैयार किए गए हैं, सेट ए भी और सेट बी भी। इसका सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो की लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें आंसर नहीं रहेंगे। आप वहां देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। अब जो ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, गेस मॉडल पेपर अरबिक का, ये आंसर के साथ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री में दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। इस थर्ड ईयर में यानी फिफ्थ सेमिस्टर में दो सेक्शन है, दो सेक्शन में से सेक्शन ए में चार क्वेश्चन है और सेक्शन बी में भी चार क्वेश्चन है। यहां पे देख सकते हैं आप, आंसर एनी फाइव क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी फाइव मार्क्स, हर क्वेश्चन के पांच मार्क्स हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, हम क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर वन, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर वन में पांच या छह जितने भी क्वेश्चंस रहने दो, उनमें से आपको सिर्फ दो के आंसर लिखना है, आपको उसमें से दो के आंसर लिखना है। ये मॉडर्न प्रोस में दो लेसन है, उन दो लेसन में से किसी एक लेसन के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको दो क्वेश्चन के आंसर लिखना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कुछ यहां पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसके आंसर भी हैं। इंशाल्लाह हमको अभी वही पढ़ना है। तो शायद आपको क्वेश्चन नंबर वन समझ में आ गए, बिट नंबर वन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन में से आपको दो के आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर वन, मन हुआ बतलुल हुर्रिया, मन माने कौन, हुआ माने है, बतल माने हीरो, हुर्रिया माने आजाद, आजादी के हीरो कौन है। मन हुआ बतलुल हुर्रिया, आजादी के हीरो कौन है। मन हटा दे, अबुल कलाम आजाद, सिर्फ इतना नाम लिखना है, अबुल कलाम आजाद, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। अबुल कलाम आजाद हुआ बतलुल हुर्रिया, अबुल कलाम आजाद ये आजादी के हीरो हैं।
क्वेश्चन नंबर टू, मा काना इस्मुल कामिल लिमौलाना आजाद, मा के माने क्या, काना के माने था, इस्म माने नाम, कामिल माने पूरा, लिमौलाना आजाद मौलाना आजाद का पूरा नाम क्या था। ये मा क्वेश्चन वन हटा दे, उसके बाद सेम क्वेश्चन कॉपी करना है, काना इस्मुल कामिल लिमौलाना आजाद, काना माने था, इस्मुल कामिल माने मुकम्मल नाम, पूरा नाम, लिमौलाना आजाद मौलाना आजाद का पूरा नाम था मुहियुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर थ्री, उज़कुर अहम मुअल्लफात आजाद, उज़कुर माने लिखिए, अहम माने अहम, मुअल्लफात किताबें, आजाद मौलाना आजाद, मौलाना आजाद ने जो किताबें तालीफ की लिखी उनके नाम लिखिए। यहाँ पे नंबर वन अल हुर्रियत फिल इस्लाम, नंबर दो अल जिहाद फिल इस्लाम, नंबर तीन अद्दीन व सियासा, ये तीन किताबों के नाम है, तीन किताबों के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर फोर, उज़कुर अल आम अल्लज़ी वुलिद फीही आजाद, उज़कुर माने लिखिए, अल आम माने साल, अल्लज़ी माने जो, वुलिदा माने पैदा हुए, फीही माने उसमें, आजाद नाम, मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह जिस साल पैदा हुए वो साल लिखिए। ये उज़कुर क्वेश्चन वाले हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है, अल आम अल्लज़ी वुलिद फीही आजाद फी आमी 1888 मुसावात के माने क्या है। ये माँ क्वेश्चन वाले हटा दिए, सेम क्वेश्चन कॉपी करिए, माना अल मुसावात अल मुमासलतु वल अदालतु बराबरी और इंसाफ के माने है मुसावात, मुसावात के माने है बराबरी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मन अक्रमुन नास इंदल्लाह, मन माने कौन, अक्रम माने इज्जत वाला, अन्नास लोगों में, लोगों में सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी कौन है, इंदल्लाह अल्लाह के पास, अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा शरीफ इज्जतदार कौन है। मन क्वेश्चन हटा दे, अक्रमुन नास इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाइज्जत शख्स, अतकियाकुम तुम में से जो सबसे मुत्तकी है, सबसे बड़ा मुत्तकी है वो अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा शरीफ है, इज्जतदार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, मन अल इस्नान अल लजानी दारत बैनहुमा किस्सतु दरई दिरई, मन अल इस्नान, मन माने कौन, अल इस्नान अल लजान वो दो शख्स जिसके बारे में, जिसके दरमियान जिराह का झगड़ा हुआ था, वो दो शख्स कौन है जिसके दरमियान जिराह का झगड़ा हुआ था। ये आप अपने उस्ताद मोहतरम से शायद सुने होंगे ये लेसन, तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि लेसन ये क्वेश्चन के मीनिंग क्या है और उसका मतलब क्या है। उसका आंसर है सय्यदना अली व यहूदी, सय्यदना अली हजरत अली रजी अल्लाह अन व यहूदी, वो के माने और, यहूदी माने यहूदी, वो दो शख्स कौन थे, एक है हजरत अली रजी अल्लाह और एक है यहूदी। क्वेश्चन नंबर एट, मा इस्मुल काजी, मा के माने क्या, इसम माने नाम, काजी नाम, काजी का नाम क्या है, फैसला करने वाला जो काजी है, काजी इस्लाम में चीफ जस्टिस को कहते हैं, निकाह पढ़ाने वाले को खाजी नहीं कहते इस्लामी नजर में, इस्लाम खाजी कहते हैं इस्लाम इस्लामी निजाम में उस शख्स को जो चीफ जस्टिस होता है। इस्मुल काजी, खाजी का नाम शुरैह था, खाजी का नाम शुरैह था। तो ये थी बिट नंबर वन, जिसमें पांच या छह क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से, इन्हीं में से कोई पांच या छह आएंगे, बल्कि ये तो सेट वन है, सेट बी में भी कुछ क्वेश्चन है, वो और ये सेट ए और सेट बी देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और आपको आसानी होगी आंसर लिखने में। तो ये थी बिट नंबर वन, जिसमें क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको दो के आंसर लिखना है। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे, बिट नंबर वन कंप्लीट हो गए, ये है बिट नंबर टू, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कन्वर्ट एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर इन प्लूरल,
हाथी खमसत जुमू मिनल कलिमात अल आतिया, कुछ वर्ड्स रहेंगे उन वर्ड्स का सिंगुलर में लिखा हुआ रहेगा, उसका प्लूरल आपको लिखना है। तो आपके आसानी के लिए कुछ वर्ड्स के यहां पे मैंने सिंगुलर और प्लूरल लिख दिए हैं, ये याद करें। और उस इसी तरह सेट बी में भी कुछ वर्ड्स है, ये दो सेट आप जरूर देखें। लवनुन, इसका प्लूरल है अलवान। यौमुन, लवन के माने कलर, अलवान उसका प्लूरल। यौम, दिन, इसका प्लूरल है अय्याम। हारिस, चौकीदार। हर्रास, अजीज, दोस्त। अज्जा, जलील, जिसकी जिल्लत हो, जिसका कोई, जिसकी कोई इज्जत ना हो, उसका जमात है अजिल्ला। सफ, लाइन। सुफूफ, बतल, हीरो। अबतल, हक्कुन, हक, उसकी जमा और प्लूरल हुकूक। दीनुन, दीन, मजहब। अदियान, लौनुन, कलर, ये डबल आ गया। अलवान, लुगतुन, लैंग्वेज, लुगात। सिन्नुन, साल। अस्नान, रुकनुन, अरकान। तबकतुन, सिंगुलर, उसकी जमा है तबकात। तो ये कुछ वर्ड्स है, इन वर्ड्स में से 10 वर्ड आएंगे जिसमें जो सिंगुलर लेंगे उसका प्लूरल क्या है आपको लिखना है। तो ये थी बिट नंबर 2। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिट नंबर 3। राइट एनी 5 मीनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे, उन वर्ड्स के मीनिंग क्या है आपको लिखना है। अल अक्फा, बराबर। इस्तहदा, मदद तलब करना। फुज, कामयाब हो। उकूल, अकल। हिसाद, खेती। उतूर, अतर। बसातीन, बाग। इसमें 7 है और सेट बी में भी 7 रहेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि सेट ए भी पूरा देखें और सेट बी भी पूरा देखें आप। ये थी बिट नंबर 3, जिस बिट में कुछ वर्ड्स रहेंगे, उन वर्ड्स के मीनिंग क्या है आपको लिखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 4। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, उक्तुब अन अहदिल कातिबिन बिल इजमाल, नीचे कुछ राइटर्स के नाम रहेंगे, उनके मुतालिक, उनकी हिस्ट्री, उनके बायोग्राफी आपको लिखना है। यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए देखिए, अल जाहिज, एक बहुत बड़ा शायर राइटर है। अल हरीरी, ये भी एक राइटर है। इन दोनों में से किसी एक के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपके आसानी के लिए इंग्लिश में भी लिखा गया है और उर्दू में भी है, आपको जिसमें आसानी हो उसमें आप आंसर लिखें। देखिए ये तो इंग्लिश है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नीचे देखें उर्दू में लिखा हुआ है, मैं ये पढ़ लूंगा उर्दू में जो लिखा हुआ है। अब्बासी दौर के मशहूर मुसन्निफीन में से एक है अल जाहिज। जाहिज जो कि अरब मुसन्निफीन व बाहिसीन में सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ हुआ, जिसने कई इल्म बलागत के कायदे व कवानीन को मुरत्तब किया, और ये इंतहाई बाकमाल मुसन्निफ था जिसने अपना कलम कमाल इलाहियात, सियासत और अखलाकियात पर भी उठाया। सवान उमरी, जाहिज 776 हिजरी को शहर बसरा में पैदा हुआ, एक इंतहाई गरीब खानदान में, जो कि गुमान किया जाता है कि अफ्रीकी नस्ल से था। वालिद का तफूलियत में ही इंतकाल हो गया, बचपन में ही इंतकाल हो गया। बावजूद गुर्बत के माँ ने
गरीब होने के बावजूद माँ ने एक मदरसे में दाखिला दिलवाया और अल जाहिज लखब से मशहूर हुआ। जब ये पढ़ा लिखा तो जाहिज के लखब से मशहूर हुआ, जिसके माने बड़ी आंख वाला है। बसरा में जाहिज को बहुत सारे उलूम व फनून सीखने के मौके मयसर हुए मिले। चूंकि ये बड़ा जहीन था तो ये बड़े बड़े उलमा के वाज और खुतबे को सुनता रहता था और दर पर्दा बेहतरीन और आला जर्फ लोगों के मेयार को जानता था। इसी तरह बाजारों में जाकर वहां के अहवाल का जायजा लेता था और अरब वगैर अरब के दरमियान जो गुफ्तगु और मुआहदात हुए थे उनको बड़े गौर से देखता था। उसके बाद उसने अपना कलम 815 या 816 हिजरी में उठाया, जो कि इमामत से मुताल्लिक था, जो कि मामून को अपनी तरफ मायल करने में बहुत बड़ा मुआविन साबित हुआ और उसी के जरिए उसको शोहरत मिली और यह बगदाद हो गया और वहां हुकूमत के मुशीर की तरह काम करने लगा और अदबी खिदमात भी अंजाम देता था। फिर उमर के एक हिस्से में सेहत खराब रहने की और तवील अलालत के बाद उसने मुहर्रम यानी दिसंबर 867 या जनवरी 869 हिजरी को वफात पाया। ये तो उसकी शॉर्ट नोट उसके बारे में। आप कुछ पॉइंट अपने जहन में बिठा लें और उसी के मुताबिक उसके ऊपर नोट लिखें। तो ये थी जाहिज के बारे में। नीचे देखें इंग्लिश में समरी है हरीरी के बारे में। यहां पे उर्दू में है हरीरी के बारे में, अबू मोहम्मद कासिम अल हरीरी। हरीरी का शुमार भी अरबी मकामा निगारों के फहरिस्त में सफे अव्वल में होता है, यानी अरबी क्रिएटरों में भी इसका नाम पहले लिखा जाता है और फन बलागत में इंतहाई अहमियत का हामिल है। हरीरी का असली नाम अबू कासिम अल हरीरी है मगर अरबी अदब में बीवी के नाम से मशहूर और मारूफ हुए और ये मुसन्निफ है मशहूर बाजों के, जो कि मुनाकिद होते थे मुख्तलिफ अरब मकामात में। ये पैदा और परवरिश बसरा में हुए। इनके आबा व अजदाद मक्का में माशान के कदावर लोग थे और उसी से जो नफा हासिल होता था उसी से गुजारा चलता था और इसी वजह से ही एक मुनफरिद जिंदगी गुजारते थे और अपने आप को पढ़ने लिखने तक ही महदूद कर लिया था। ये थी अल हरीरी की मुख्तसर सवाने शॉर्ट नोट। ये थी बिट नंबर 4 जिसमें आपको दो राइटर्स के नाम लिखे हुए रहेंगे, उनमें से किसी एक राइटर के सवाने उम्री लिखना है, उसकी उम्र बायोग्राफी या हिस्ट्री लिखना है। ये था सेक्शन ए जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और उन 4 में से भी हर क्वेश्चन के 4 के 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है और हर क्वेश्चन के आंसर 5 मार्क्स है। तो ये थी सेक्शन ए। उसके बाद देखिए हम शुरू करेंगे सेक्शन बी। यहां देखिए आप सेक्शन बी, सेक्शन बी में भी 4 ही क्वेश्चन रहेंगे लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन के मार्क्स 15 रहेंगे। आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, लेकिन इसमें ऑप्शन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन में ही ऑप्शन रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द समरी ऑफ द लेसन। एक लेसन का नाम है अल मुसावात अल इंसानिया, इसकी समरी लिखे या अगर नहीं हो सकता तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ रिफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। नीचे कुछ पैराग्राफ लिखे हुए रहेंगे, उन पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करिए और रिफरेंस भी दीजिए कि वो पैराग्राफ कौन से लेसन का है। तो मैं मुनासिब समझता हूं ये लेसन की समरी अच्छी तरह याद कर लें, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ये थोड़ा हार्ड है। ये सेकेंड वन देखिए समरी यहां पर लिखी हुई है आपको लेसन की, अल मुसावात अल इंसानिया आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यह है इंग्लिश की समरी, आगे उर्दू में भी है इंशाल्लाह हम उर्दू का पढ़ेंगे। यहां तक वो इंग्लिश की समरी है, यहां से देखिए उर्दू में है अल मुसावात अल इंसानिया की समरी। खुलासा, यकीनन ये सबक इंसानी मसावात के मौजू पर रोशनी डाल रहा है, खासकर इस्लाम में इंसानी मसावात को। मसावात ये है कि इंसान तमाम सियासी इज्तिमाई हुकूक से फायदा उठाए दीन रंग जबान और जिंस की तमीज के बगैर,
और यकीनन इस्लाम इंसानी मसावात का दीन है, और यकीनन इस्लाम ने तय किया है कि फजीलत इंसानियत के दरमियान तकवा और अमल सालेह के जरिए से है, इसके सिवा कुछ नहीं। और उसकी तरफ अल्लाह ताला का फरमान इशारा कर रहा है, बेशक तुम में बुजुर्ग अल्लाह के पास मुत्तकी है। और इसी तरह अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसावात की दावत देती है इंसानियत के दरमियान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी मसावात की वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि ऐ लोगो, आगाह हो जाओ, बेशक तुम्हारा रब एक है और तुम्हारे वालिदैन यानी आदम और हव्वा एक है। जान लो कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, और ना किसी अजमी को अरबी पर, और ना किसी गोरे को काले पर, और ना किसी काले को गोरे पर, मगर तकवे के जरिए। तहकीक के इस्लाम ने बता दिया जो कोई नाहक किसी को कत्ल कर डाले गोया उसने माशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर डाला, और जिसने उसे नाहक मरने से बचा कर जिंदा रखा तो गोया उसने माशरे के तमाम लोगों को जिंदा रखा। बेशक इस्लाम की मसावात नमाज में सफों के दरमियान जाहिर होती है, क्योंकि सफों की तरतीब में बादशाह और खादिम, काले और गोरे, मालदार और तंगदस्त के दरमियान कोई फर्क बाकी नहीं रहता। और इसी तरह इस्लाम की मसावात हज में जाहिर होती है इस तौर पर के तमाम हुज्जाज एक ही लिबास ज़ेब तन करते हैं, और इसी तरह शरीय हुदूद नाफिज करने में इस्लाम मालदार और मोहताज, ताकतवर और कमजोर, शरीफ और रजील में कोई फर्क नहीं करता। और इसी तरह इस्लाम की मसावात खजा यानी फैसला करने में जाहिर होती है, क्योंकि खाजी के पास हाकिम और महकूम के दरमियान कोई फर्क नहीं होता। हाकिम बादशाह और रियाया पब्लिक को महकूम कहते हैं। फिर हजरत सय्यदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा जिक्र किया है, जबकि क़ाज़ी शरीयत ने आपकी कोई खोई हुई ज़िरह को यहूदी के पास मौजूद पाया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे की शहादत यानी गवाही पेश की तो क़ाज़ी ने बेटे की शहादत को रद्द कर दिया और ज़िरह यहूदी को सुपर्द कर दी। जब यहूदी ने इस्लाम के अदल और इंसाफ और इसके मसावात को देखा तो एतराफ कर लिया कि वह अमीरुल मोमिनीन हक पर है और वो खुद इस्लाम में दाखिल हो गया। ये था अल मुसावात अल इंसानिया का खुलासा। बिट नंबर फाइव में दो ऑप्शन है, एक तो समरी लिखें किसी लेसन के, या नहीं तो कुछ पैराग्राफ है उन पैराग्राफ का आपको ट्रांसलेशन करना है। यहां पे एहतियातन पैराग्राफ भी लिख दिए गए हैं, अरबिक पैराग्राफ है, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, और उसके बाद उर्दू में ट्रांसलेशन है, फिर उसके बाद उसका रेफरेंस भी है कि ये पैराग्राफ कौन से लेसन का है। तो चलिए हम ये भी पढ़ लेते हैं, अगर आपको पढ़ना ना हो तो आगे बढ़ जाएं, लेकिन चूंकि बस पढ़ते हैं इसमें से सबके लिए। वक़फ़ आजाद हयातहु कुल्लहा लिखिदमतिल वतन व अहली व अन्न ईमानहु बिल वतनियति कान क़वियन व कान आजाद अला यकीन अन्न तहरीर अल हिंद ला यमकिन دون تشكيل قومية مشتركة متكونة من معتقد كل الديانات। और आजाद यकीन रखते थे, मौलाना आजाद यकीन रखते थे कि हिंदुस्तान की आजादी इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि एक मुश्तरक कौमियत की तश्कील दी जाए जो तमाम मजाहिब के पैरोकारों मानने वालों से बनी हुई हो। आजाद ने अपनी सारी हयात यानी जिंदगी वतन और अहले वतन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी, और यकीनन कौमियत के मुतालिक आपका ईमान कवी था यानी आप मुहिब वतन थे। ये कौन से लेसन की है आप आंसर लिखना है, इंटरमीडिएट में भी आप लिखे थे। हाजी ही अल इबारत मिन अद्दर्स, इस लेसन का नाम है बतलुल हुर्रिया। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, लम यकुन आजाद खतीबन बारियान व सहाफियन कबीरन फहस وإنما كان كاتبا قادرا ترك خلفه مؤلفات كثيرة في مواضع مختلفة تدل على تبحر علمه وتعمق فكره علما بأن معظم مؤلفاته في اللغة الأردية। आजाद फकत एक माहिर खतीब बड़े सहाफी ही ना थे
بلکہ وہ ایک قدرت والے کاتب بھی تھے جو اپنے پیچھے مختلف موضوعات پر کثیر تالیفات چھوڑے جو آپ کے تبحر علمی اور فکری گہرائی پر دلالت کرتے ہیں. جان لو کہ ان کے بیشتر مؤلفات اردو زبان میں, یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے, آپ چاہیں انگلش میں لکھیں. ہذہ العبارت من الدرس بطل الحریہ, یہ لائن فلاں لسن کی ہے بطل الحریہ. اس کے بعد اور ایک پیروگراف ہے جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے, ومن بين الابطال الغيار الذين قادوا حركه التحرير زعيمنا العظيم وامامنا الهند ابو الكلام آزاد المكي مؤلدا مكي مؤلدا والدهلوي مدفنا وآزاد ملقبا ولد آزاد في حارة القدوة بجوار باب السلام بمكة المكرمة من أبي هندي وأم عربية عام 1888 وسمي محي الدين أحمد محي الدين ہے. انہی غیور مجاہدین میں سے جنہوں نے تحریک آزادی کی قیادت کی ہمارے عظیم رہنما اور ہمارے ہند کے امام ابوالکلام آزاد ہے, جن کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے وہ جائے مدفن دہلی ہے, جائے مدفن جہاں پہ ان کا انتقال ہوا, اور آزاد لقب ہے, اور آزاد مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ محلہ قدوہ, قدوہ ایک محلے کا نام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے, وہاں پیدا ہوئے تھے باب السلام کے قریب. مکہ مکرمہ میں ایک دروازہ ہے باب السلام, اس کے قریب مکہ مکرمہ میں 1888 کو پیدا ہوئے, جن کے والد ہندوستانی اور ماں عربی تھے, اور آپ کا نام محی الدین احمد رکھ دیا گیا. اس کے بعد ریفرنس, ہذہ العبارہ من الدرس بطل الحریہ, یہ تین ایک لیسن کے ہیں اور آگے جو آ رہا ہے یہ الگ لیسن کے ہیں, ان دو لیسن میں سے کسی بھی لیسن کے آ سکتے ہیں. والمساوات هي ان يتمتع الانسان بجميع الحقوق السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه بدون تمييز بين دين ودين ولون ولون اخر ولغه وجنس. ترجمہ, مساوات یہ ہے کہ انسان تمام سیاسی معاشی اجتماعی حقوق سے فائدہ اٹھائے, ایک دین اور دوسرے دین اور ایک رنگ اور دوسرے رنگ کے درمیان اور زبان اور جنس کے درمیان تمیز کیے بغیر. ہذہ العبارہ من الدرس المساوات الانسانیہ. اس کے بعد اور ایک پیراگراف, یہ پانچ پیراگراف ہے, ان میں سے کوئی بھی پیراگراف آ سکتا ہے, یہ تو سیٹ اے میں ہے, اسی طرح آپ سیٹ میں بھی دیکھیں. ان الاسلام دین المساوات الانسانیہ وهو يقرر ان الناس متساؤون كاسنان المشط والمساوات ضدها التفاضل ولا تفاضل بين الناس باعتبار الجنس واللون والحسب والجاه وانما التفاضل باعتبار العمل الصالح والتقوى. ترجمہ, یقینا اسلام انسانی مساوات کا دین ہے, وہ ثابت کرتا ہے کہ تمام لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں. وہ مساوات کی زند, کنگھی کے دندان, کنگھی جس طرح کنگھی کے جیسے دندان ہیں ملے ہوئے رہتے اسی طرح, اور مساوات کی ضد تفاضل یعنی ایک دوسرے پر فضیلت و برتری ہے, اور لوگوں کے درمیان جنس رنگ حسب وجہ کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں, اور یقیناً فضیلت نیک عمل اور پرہیزگاری کے اعتبار سے. ہذہ العبارت من الدرس المساوات الانسانیہ. یہ تھی بٹ نمبر 5 جس میں دو کوشچنز آئیں گے, ایک ہے کسی لیسن کا آپ کو سمری لکھنا ہے, میری رائے یہ ہے کہ بہتر وہی ہے. چلیے اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں, یہ ہے بٹ نمبر 6, رائٹ اینی 5 اپوزٹ ورڈز فرام دا فالوئنگ. کچھ ورڈز لکھے ہوئے رہیں گے, ان ورڈز کے اپوزٹ ورڈز آپ کو لکھنا ہے کہ اس ورڈ کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے. یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے کچھ ورڈز لکھے گئے ہیں, یہ سیٹ اے میں ہے, سیٹ بی میں بھی کچھ اسی طرح کے ورڈ لکھے ہوئے رہیں گے. اعزہ یہ ایک ورڈ ہے, اس کا اپوزٹ آتا ہے اذلہ. فقیر اس کا اپوزٹ آتا ہے غنی, غریب, امیر. لیلن اس کا اپوزٹ, لیل کے معنی رات, اپوزٹ نہارن دن. توحید
यूनिटी मिलकर रहना, तफरीक जुदा जुदा रहना, मुस्तकिल्लतुन आजादी, मकबूज़तुन कैद, अरबियुन अरबी, अजमीयुन अरबी के अलावा जितने भी लोग हैं उनको अजमी कहा जाता है। यहां पर देखिए बिट नंबर 6 में या तो आप वर्ड्स के अपोजिट लिखिए या एक ऑप्शन ये भी है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे उनके आंसर लिखे, चाहे आप अपोजिट लिखे या क्वेश्चन के आंसर लिखे। क्वेश्चन कौन से रहेंगे यहाँ पे लिखा हुआ लिखे हुए देखें आप, इनमें से कोई क्वेश्चन आएंगे जिसके आपको आंसर लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हल आदम अबुन्नास व हव्वा उम्मुहु, हल है उसका आंसर नाम रहेगा, आप इंटरमीडिएट से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी मीनिंग देखें, हल के माने क्या, आदम हजरत आदम, अबुन्नास लोगों के वालिद, व हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अहलिया हव्वा अम्मी जान, उम्मुहु माने माँ, क्या आदम लोगों के वालिद और हव्वा लोगों की माँ है, आदम और हव्वा हमारे माँ बाप है, उसका आंसर है नाम, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमन अल फखर, लिमन माने किसके लिए, फखर माने इज्जत, फखर किसके लिए है, इज्जत किसके लिए है, उसका आंसर है अल फखर लि अहलिल इल्म, फखर अहले इल्म वालों के लिए, अहले इल्म के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हल अल जाहिल अदुबुन लि अहलिल इल्म, हल आ गया उसका आंसर नाम है, क्या जाहिल अहले इल्म का दुश्मन होता है, नाम अल जाहिल अदुबुन लि अहलिल इल्म, हाँ जाहिल अहले इल्म यानी पढ़े लिखे लोगों का दुश्मन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मा हिया मसाबीह नूर, नूर के चिराग क्या है, हुरूफ किताबी, मसाबीह नूर मेरे किताब के वर्ड्स, नूर के चराग है, नूर के मीनार है। क्वेश्चन नंबर 5, अय्यु शैइन कंजुन समीनुन, कौन सी चीज कीमती खजाना है, किताबी कंजुन समीनुन मेरी किताब कीमती खजाना है। क्वेश्चन नंबर 6, मा हिया दलीलुल अमल, मा के माने क्या, हिया के माने है, दलील माने दलील, अमल माने अमल, अमल करने की दलील क्या है, हुरूफ किताबी दलीलुल अमल। क्वेश्चन नंबर 7, हल अल किताब ज़कीयुन अमीनुन, क्या किताब एक अमानतदार और इंटेलिजेंट चीज है, उसका आंसर है नाम, अल किताब ज़कीयुन अमीनुन। ये क्वेश्चन है, इनमें से कोई क्वेश्चन के आप जो बिट नंबर चल रही थी बिट नंबर 6, बिट नंबर 6 में दो ऑप्शन रहेंगे, चाहे आप वर्ड्स के अपोजिट लिखे या नहीं तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चन में से 5 के आंसर लिखे। तो ये थे बिट नंबर 6, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे बिट नंबर 7। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है बिट नंबर 7, इसमें भी ऑप्शन है, एक राइट द समरी ऑफ लेसन किताबी, एक किताब एक लेसन का नाम है किताबी उसकी समरी लिखे, या अगर समरी लिखना मुश्किल है तो आपको ऑप्शन में ये भी है फिल अप द ब्लैंक्स विद द गिवन सूटेबल वर्ड्स, नीचे कुछ वर्ड्स रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन रहेगा, चाहे आप समरी लिखें या फिल इन द ब्लैंक्स करें, पहले आपको आप समरी देख लें, एक किताब एक लेसन है किताबी उसकी ये समरी है, और नीचे उर्दू में भी समरी है आसानी के लिए लिख दिया गया है, बेशक तराना यानी नज़म पोयम किताब जिंदगी में किताब की फजीलत को वाज़े करता है और उसकी अहमियत को बयान करता है, शायर कह रहा है कि मेरी किताब एक कीमती खजाना है और उसके हरूफ नूर के चरागों के अंदर है जिनसे जिंदगी रोशन हो जाती है, और किताब मेरी राहत का सबब है और उसके हरूफ में आसमान और समंदर की वसात है और यकीनन वो बुलंदी में सहराओं के पहाड़ों के मुशाबे और खूबसूरत बाग है खुशनमाई और हुस्न जमाल में, और किताब मुश्किलों में मेरी जिंदगी की रफीक यानी साथी है। यकीनन शायर इस नज्म में किताब के मफहूम और उसके फजल को एक खूबसूरत और नादिर सूरत में पेश किया है और वो किताब को खूबसूरत मनाजिर से तशबीह दे रहा है और बुलंद मकामात से पहाड़ों और सहराओं से वसात और बुलंदी में आसान व समंदर, और तमाम इसलिए कि तालिब इन किताबों में रागिब हो और उनका मुताला किया करे
और उनको नई जिंदगी का मकसद और अपनी कामयाबी का जरिया बना ले। किताब एक अच्छी चीज है, तरक्की इंसान कर सकता है तो किताब से ही तरक्की कर सकता है। तो ये थी इस किताब की समरी, चाहे आप ये लिखें या नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ है देखिए, यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, आपको इंशाल्लाह आंसर में क्वेश्चन पेपर में सूटेबल वर्ड्स भी लिखे हुए रहेंगे, यहाँ पर नीचे सूटेबल वर्ड्स भी लिखे हुए रहेंगे, उनमें से कौन सा वर्ड सूट होता है वो आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं, आगे देखिए। अन्नास डैश व अहलुल इल्म अहया मल फखरु इल्ला डैश अल इल्म अन्नहुम ففوز بعلم تعيش حيا به داش كتابي صديقي داش الامين داش تغني عطور زهور। इसके आंसर देखिए, दो तो यहां पे लिखे हुआ और बाकी दूसरे पेज पे है। الناس موتى واهل العلم احيا, लोग सारे के सारे लोग मरे हुए हैं और इल्म वाले लोग जिंदा हैं। मल फख्र इल्ला लिअहले इल्म इन्नहुम, फखर तो सिर्फ इल्म वालों को करना चाहिए। फफुज बिइल्म तईशु हय्यन बिही जिद्दन, आप इल्म के जरिए से कामयाब हो जाए उसके जरिए से जिंदगी गुजार सकते हैं। किताबी सदीकी अज़की अल अमीन, मेरी किताब मेरी दोस्त है अमानतदार है। तुयूर तुगन्नी उतूर जुहूर, तुयूर तुगन्नी परिंदे चह चहाते, उतूर अतर जुहर माने फूल। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स का, फिल इन द ब्लैंक्स जिस जो बिट नंबर 7 में आएगी। बिट नंबर 7 में ऑप्शन रहेगा, चाहे आप समरी लिखें किसी लेसन की जो लेसन का नाम लिखा हुआ रहेगा, या फिल इन द ब्लैंक्स को जो सूटेबल वर्ड्स है उसे फिल करें। उसके बाद बिट नंबर 8 है जो कि आखिरी बिट है। ये बिट, इसमें भी दो ऑप्शन है। देखिए, राइट इन डिटेल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द प्रोस अब्बासी पीरियड, अब्बासी पीरियड में अब्बासी दौर में अरबिक कितना तरक्की करा, प्रोस अरबिक नस्र कितना तरक्की करा उसके बारे में लिखना है। अरबिक में ये देखिए, उक्त मुफस्सलन अन तत्वुर नस्र फिल असर अल अब्बासी। उसके बाद अगर ये लिखना है तो बेहतर है, और अगर ये ना लिख सके तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है, आप व्हाट डू यू नो अबाउट द राइटर इब्नुल मुकफ्फा, राइट इन डिटेल माज़ा तअरिफ़ु अन अल कातिब इब्नुल मुकफ्फा उक्तुब अलैहि मुफस्सलन। यहाँ पे आपके आसानी के लिए दो में भी लिख दिए गए। देखिए, फर्स्ट इंग्लिश में है, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं, और उसी का यहाँ पे उर्दू में है, उर्दू में भी आप देखकर आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद और एक ऑप्शन था, इब्नुल मुकफ्फा के बारे में लिखिए। यहां से इब्नुल मुकफ्फा के बारे में चल रहा है, इब्नुल मुकफ्फा एक राइटर है, यहां तक इंग्लिश में है, और उसके बाद यहां से उर्दू में इब्नुल मुकफ्फा एक जाना माना मुतरजिम व कातिब था। वो फारिस ईरान में इल्म परवर घराने में पैदा हुआ और वो कई उलूम में माहिर था। वो पहलवी जबान को लिखना भी जानता था जो कि एक फारसी की नादिर किस्म थी, इसी बिना पर वो कदीम तारीख को भी पढ़ लिया करता था। जुनूबी ईरान के शहर बसरा में पढ़ने के बाद उसने अपनी इल्मी लियाकत को पुख्तगी बख्शी और उमावी दौर में इब्नुल मुकफ्फा बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहा, जिसमें शाहपुरी किरमान की गवर्नर की हैसियत भी शामिल है। और उसने अपने जान बचाकर भाग निकला जब अब्बासी इनकलाब ने उमवी दौरे हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर वो बसरा में आकर खलीफे मंसूर के भाई के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। जब खलीफे के एक भाई को सजा का मूजिब बनाया गया तो इब्नुल मुकफ्फा को कहा गया कि खलीफे को एक खत लिखो जिसमें खलीफे को अपने अहले खाना पर जवाबी कार्रवाई ना करने को कहे। जब उस इस तरह का खत खलीफा को पहुंचा तो वो आग बगोला हो गया और इब्नुल मुकफ्फा का सर कलम कर दिया।
ये चीज समरी, समरी वो लिखे जो आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको पढ़ाया है। अगर आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको नहीं पढ़ाया है तो इसमें जैसे समरी है वो आप लिखे। तो ये थे आपका बिट नंबर 8 और 5th सेमिस्टर का मॉडल पेपर विथ आंसर। फिर मैं आपसे आखिर में ये कहूंगा कि आप दो वीडियो जरूर देखें, सेट ए और सेट बी, और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाए ताकि अरबिक में वो 100 मार्क्स आसानी से हासिल कर सके। ये सिर्फ मॉडल पेपर है, इसमें आंसर्स नहीं है, ये सिर्फ मॉडल पेपर आपको समझ में आए कि मॉडल पेपर कैसे आएगा। देखिए सेक्शन ए और उसमें बिट नंबर 1, उसके नीचे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, फिर बिट नंबर 2, उसमें नीचे कुछ वर्ड्स है, इसके ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल आपको लिखना है। उसके बाद बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 में कुछ वर्ड्स आएंगे जिसके मीनिंग लिखना होगा। उसके बाद बिट नंबर 4, दो राइटर्स के नाम रहेंगे, उन दोनों में से किसी एक की हिस्ट्री आपको लिखना है, उनके बायोग्राफी लिखना है। ये थी बिट नंबर 4 सेक्शन ए। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सेक्शन बी होगा, यहाँ पे सेक्शन बी, इसमें भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 5, इसमें एक समरी है, अगर आप समरी ना लिखना चाहें तो कुछ रेफरेंस पैराग्राफ रहेंगे, उन पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करना होगा। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आएगा, उन पैराग्राफ का आपको ट्रांसलेशन करना होगा। उसके बाद बिट नंबर 6, कुछ वर्ड्स रहेंगे, इनके अपोजिट आपको लिखना होगा, अपोजिट वर्ड्स आपको आंसर में लिखना है, या नहीं तो ऑप्शन है, ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके आपको आंसर लिखना होगा। उसके बाद बिट नंबर 7, बिट नंबर 7 में समरी है एक लेसन के, अगर समरी ना लिख सके तो फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद बिट नंबर 8, यहां पर भी समरी है या नहीं तो किसी का एक बायोग्राफी लिखना है आपको। तो ये सिर्फ 8 बिट रहेंगे। एक मॉडल पेपर था बगैर किसी आंसर के, उससे पहले जो अभी आप पढ़े थे वो आंसर के साथ है।